वेलकम टू समर स्लैम डे। समर स्लैम को सिर्फ 12 घंटे रह गए हैं। रोमन रेंस वर्सेस जॉन सेना को सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे रह गए हैं। सुबह 5:30 बजे हमारी टीवी की स्क्रीन पर होगी समर स्लैम। उनका मेन इवेंट रखा गया है रोमन रेंस वर्सेस जॉन सेना। आज स्मैकडाउन पर आपको पता है क्या हुआ था? 1-2-3 रोल अप पिन करने की कोशिश की थी जॉन सेना ने। कल है स्मैकडाउन तो लास्ट मिनट प्रेडिक्शन तो बनती है। हम शुरुआत करने वाले हैं रोमन रेंस वर्सेस जॉन सेना के मैच के साथ। गाइस मैं आपको बता दूं, ये रेसलमेनिया मैच से भाई कम नहीं है। रोमन रेंस वर्सेस जॉन सेना एक बार पहले भी हो चुका है जिसमें रोमन रेंस जीते थे। इस बार कौन जीतेगा? इस बार तो रोमन रेंस के ऊपर भी बनाई है, क्योंकि अगर वो हार गए ये मैच, अगर वो अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार गए, वो WWE छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने खुद बोला है स्मैकडाउन पर। गाइस ये रोमन रेंस के ऊपर भारी ना पड़ जाए, लेकिन गाइस WWE ऐसी कंपनी है ना, वो रोमन रेंस को ऐसे जाने नहीं देगी। तो यस 99% मेरी प्रेडिक्शन है कि रोमन रेंस ये वाला मैच जीतने वाले हैं, चाहे वो उसोस की हेल्प से हो चाहे वो खुद। यस गाइस अगर वाकई WWE जॉन सेना को जिता देती है तो बहुत ही बड़ी और शॉकिंग चीज होगी समर स्लैम पर। वही बात कर ले मैच के बाद क्या होगा। फिन बैलर मुझे लग रहा है कि आने वाले इस मैच में इंटरफेरेंस करने वाले मैच के बाद, एंड उस अटैक के साथ फिन बैलर चैलेंज कर देंगे रोमन रेंस को। एंड गाइस आप भी मुझे कमेंट्स में बताओ किसको सपोर्ट कर रहे हो, रोमन रेंस या फिर हमारे जॉन सेना, एंड इस कमेंट्स में बताना। एंड गाइस 12 घंटे रह गए हैं, जा ही रहे हो ना भाई, सब्सक्राइब मार देना, आपको पूरी न्यूज मिल जाएगी कल समर स्लैम पर क्या होगा। एंड गाइस नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। हम अगले मैच पर चलते हैं, सेथ रॉलिंस वर्सेस एज। मेरे को यकीन नहीं होता ये समर स्लैम है या फिर रेसलमेनिया। बहुत ही तगड़ा मैच है ये भी। आपको पता है एज ने क्या किया था सेथ रॉलिंस के साथ? इस मैच की मेरी प्रेडिक्शन है कि एज जीतेंगे ये वाला मैच, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस वो हार चुके हैं पेपर व्यू पर। सेथ रॉलिंस तो है ही हील, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा करेक्टर पर। नेक्स्ट मैच पर चलते हैं, गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली। यहां पर मेरी प्रेडिक्शन है कि बॉबी लैशली हरा देंगे गोल्डबर्ग। मैच की एंडिंग में हमें बिगी कैश इन करते दिख सकते हैं अगर उनके पास मनी इन द बैंक होगा। ये जो नेक्स्ट मैच है ना, इसकी कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मैच ठीक ठाक हो सकता है। ड्रू मैकइंटायर वर्सेस जिंदम होल, जिंदम होल हमारे इंडिया के। इसकी स्टोरी लाइन बिल्डअप ठीक ठाक थी, WWE ने पूरी कोशिश की जिंदर महल को भी अच्छा दिखाया जाए, ड्रू मैकइंटायर को कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखा दिया उन्होंने। बट यस हम इंडिया वाले भाई सपोर्ट करेंगे जिंदर महल को। मेरी प्रेडिक्शन है जिंदर महल इस मैच में। नेक्स्ट मैच जो कि बहुत अच्छा मैच हो सकता है, आरकेओ ब्रो वर्सेस एज स्टाइल एंड अमोस। एंड गाइस मैं दिल से देखना चाहता हूं यार आरकेओ ब्रो को चैंपियंस, बहुत मजा आएगा इनको देखते हुए। एंड एज स्टाइल वापस सिंगल रन पर जाए तो ज्यादा अच्छा है भाई, बहुत ही अच्छे लगते हैं। कल समर स्लैम है, अगर यहां तक आ गए सब्सक्राइब मार दो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना। एंड माय नेम इज सोहेल, बाय बाय।